राजधानी भुवनेश्वर निकट में राति अधिया मोरम चालाण महंगा पड़ा। एगारटी मोरम एवं माटी बोझे हाइवा को अटक रखिंट भुवनेश्वर उपकंठ स्थित गुठपाटणा ग्रामवासी। राति अधिया गांव भितर विभिन्न स्थान खोली बेआईन मोरम चालाण बेले माड़ बसते ग्रामवासी। गाड़ी को चंदका थाना पुलिस जिमा लोके पुलिस बुझासुझा कर ग्रामवासी माने जिद्रे अड़ी बसी। जहां सूचना रहुची राजधानी भुवनेश्वर निकट में राति अधिया मोरम चालाण महंगा पड़ा। एगारटी मोरम एवं माटी बोझे हाइवा को अटक रखिंट भुवनेश्वर उपकंठ स्थित गोठपाटणा ग्रामवासी। बाबद अधिक सूचना पे हम सहित सुनील नायक जोड़ी होती। सुनील, पूरा सूचना कौन रही आप पाखे ये जो राति अधिया मोरम चालाण घटना केबे थारु जारी रही ए घटना को लेकिन विभाग कर्तृपक्ष ए बाबद दृष्टि दे कि देखु मोनिका पुणी हो मोरम चालाण एवं पुणी चंदका अंचल रु मोरम चालाण पूर्वर मध्य होता है आज होलंबित राति राति एगारटू आरंभ होता से ग्रामवास मैंने प्रतिरोध करते प्रतवाद एते जे राति तमाम ग्रामवास मैंने आप चित्र देखिपुर एटारे शताधिक ग्रामवास मैंने रातिर रही फेज व्वज फेज आसिक रोचे काले से कि काले चंदका थाना पुलिस से गाड़ी नहीं जीव घटे दो तेणुकारी ग्रामवासी मैंने राति तमाम अहरह अनिद्रा ही ये अच्छा आम कथा हाँ जे कहीं से अच्छा कौन घटना कौन आज घटना आज्ञा घटनाटा या जे एठी भुवनेश्वर टाउन रे काम हम गोठपाटनारु मारा मोरम माटी जीव एठी आज्ञा खोलिकी सब पोखरी कर सारे एठी ग्रामवासी द्वारा गोटे जंगल सृष्टि होता आ जंगल ना सब माटी ताड़ी नष्ट कर सारे ये देखो गोटे खेल फिल्ड या खेल फिल्ड भितर गाड़ी नौ खेल फिल्ड नष्ट पिला आम खेली पार ना राति सारा जंगल भितर गाड़ी चलू तो वन्य जंतु मैंने जा गाँ भर बसिले आमर यही सब समस्या आम कल पिला सब एकाठी होती राति दसटू गाड़ी जगिक बस आज्ञा देखते तो पंद्रह खंड गाड़ी आज आम अटकई रखीचु पुलिस प्रशासन आसाला बारंबार तीन तीन थर पीसीआर आसला बारंबार मुझे कहूँ तुम गाड़ी छाड़ दियो कहीं आज गाड़ी छाड़ देवु गाड़ी आज्ञा चोरी कर राजस्व हानि हो सरकार गोटे कंपानी के दिखाई परमिशन दिखाई गोटे कंपानी लीज नहीं किंतु अनेक माफिया अच्छा जो मैंने यठू मटी चोरी करते आलोर समेत मटी चोरी करते कल रात गाड़ी मालिक मैंने आसते आम पिला धमक धमक देते केत लोक बाड़िया उदित होती कल आज्ञा देखिए से गाड़ी सामने जो पड़िया गाड़ी अटक रखी से मैंने मद पी आम पिला धमक देते आम गाड़ी नहीं जाऊँ उपरिस्त अधिकारी विभाग अधिकारी अभियोग कर आज्ञा समस्ते जानते ये राजस्व राजस्व अफिटा अध किलोमीटर दूर से जानी पार ना समझ जानते फांडीटा आज्ञा रास्ता उपर से जानी पार ना समझे आज्ञा जानते ये सब ज्ञात सारे आज्ञा हो किसी अज्ञातर नुहे पुलिस कहीं आक्शन नौ किए कह आज्ञा केमी पुलिस आक्शन नौ कहीं नौ सर आम कमी कहूँ आम तो पुलिस पुलिस जानी आज्ञा पुलिस जो गाड़ी फांडी सामने जा पुलिस जानी पार ना पुलिस कल रात आसते पिला कौन तुम गाड़ी छाड़ दिव कहीं छाड़ दू आज्ञा निर्णय चित्र देखिपे मोनिका कौ भाई लोक मन मनरे आक्रोश अच्छी से मैंने गाड़ी पुलिस छाड़क जितने कहते हैं राति तमाम गाड़ी जगिक बसी चंदका अंचल क्रमगत भाव में मोरम चालाण हो पुणी तार एक आउ गोटे उदाहरण देखा मिली गोठपाटणा अंचल एवं जिद धरी बस स्थानीय ग्रामवासी मैंने जपर्त जो एगारटी गाड़ी बर्तमान सुधा जबत कर से गाड़ी को छाड़ू ना जिद धरी जपर्त ये इलिगल जो गाड़ी माटी जाऊँ जो मोरम जाऊँगी से जी नौ दंड विधान करने एगेन्स्ट कार्यानुष्ठान दाबी कर मोनिका निश्चय ये राति अधिया विभिन्न स्थान रे इलिगल मोरम चालाण होने की अनेक बार अभियोग भी करा जाइछि किंतु फल सुन प्रतिक्रिया आपण जहाँ नौले लोकंर आक्रोश रही घटना को लेकिन किंतु प्रकृत ये घटना केबे थारु चली आसलानी आज काहीकि प्रतिक्रियाशील पूर्वर ए बाबद काहीकि अभियोग करा जाउ नथिला निहाती भाव देखु क्रमगत जहाँ लोक अभियोग दुई वर्ष 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 धरी चलती से विभाग अधिकार जनाऊँच तथा किसी आम आज जो मऊसा अच्छे कथ आज्ञा कहीं एम बारंबार कहीं मोर बा शहे गच चाड़ी नहीं जाइंट लंका गच आना बाबा आमको दे नौश लेखा जगह बिना बाबा कहे गच फच लगे तुम्हें चल तुमको पटा दि जा अटा जा कलेक्टर ये देले तहसिल पाखु गलु आम हाइकोर्ट अर्डर देदेला कलेक्टर पाखु गलु कह तुम बुझा हाब देवु खणी विभाग पाखु गलु खणी विभाग कहले ना तुम तड़ातड़ी करें से कथा बुझुच बुझुचे से ताड़ी ने कहीं कहीं मटी चाड़ू के जानी तक तो बंद हो चंदका थाना भी आम जा
ସେ କହିଲେ ଆଉ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ନେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତିନି ମାସ ତିନି ମାସ ହେଇଯିବ, ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ସେ ଚାଲୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କଲାଠୁ ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ଆସି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ରାତି ମନ୍ଦିର ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଏଠୁ ମାଟି ଉଠାଯାଉଛି, ଏମିତିକି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ବନୀକରଣ ପାଇଁ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ମାଟି ଖୋଳି ସେଠି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଇଲିଗାଲ ବାବଦରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ସୁନୀଲ ନାୟକ ଆମ ସହିତ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଗୀତା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ।